वेलकम टू धैर्यास क्रिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। पहले तो यहाँ पे पहले हमको एक कुकर लेना है, उसके अंदर हम डालेंगे करीबन 400 ग्राम जितने पाइनएप्पल, और उतने ही क्वांटिटी का हम ले रहे हैं कच्चा कैरी जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं 1/2 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे काला नमक जो मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया हुआ है, इससे बहुत ही चटपटा बनता है। और इसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, वो भी 1/2 टेबल स्पून है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 1/4 ग्लास जितना पानी, और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे काला नमक का यूज़ किया हुआ है, तो सादा नमक है वो उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे करीबन 1/2 टेबल स्पून से कम पड़ेगा हमारा नमक। सभी मसाले का टेस्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसकी लीड लगाकर इसको 4 विसल तक हम पका लेंगे। अब जब तक हमारी विसल लगती है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 600 ग्राम जितना चीनी लिया हुआ है, और चीनी डूबेगी उतना हम पानी ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमें एक तरह की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है, तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। देखिए एक तार बन रहा है, बस हमें ऐसी चाशनी की ज़रूरत है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमारा कुकर भी रेडी हो चुका है, तो हम इसको हल्का सा मैशर की मदद से स्मैश कर लेंगे, फिर ब्लेंडर की मदद से इसकी प्यूरी बना लूँगी मैं। आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी प्यूरी एकदम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं एक जार में ले रही हूँ करीबन 1/3 कप जितना पुदीना के पत्ते, और ले रही हूँ थोड़े से बर्फ़ ताकि जब हम पुदीना को पीसे तो वो काला ना पड़ जाए। तो ध्यान रहे कि जब भी आप पुदीना को पीसे तो उसमें बर्फ़ सरों से डालें। तो लीजिए हमारी प्यूरी भी एकदम रेडी है, और हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ध्यान रहे कि आपकी तीनों चीज़ें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अगर आप गरम गरम प्यूरी में पुदीना डालेंगे तो उसका कलर काला हो जाएगा, तो ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा पन्ना बनता है, टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। हमारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब बना लेते पन्ना। यहाँ पे एक गिलास में थोड़े से पहले लेंगे हम बर्फ़ के टुकड़े, उसके बाद हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ पन्ना। इसको आप आराम से साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में, और फिर इसमें डालेंगे ठंडा पानी। आप चाहें तो सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सोडा के साथ भी। अभी सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए रेडी हमारा पाइनएप्पल आम पन्ना। इसको मैंने पुदीना के पत्ते के साथ गार्निश किया है, तो चीयर्स, एक बार घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, पास में दिए गए बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।